हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और आज जो हम करने वाले हैं वो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, चैप्टर जो कंप्लीट करेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले हमारा जो लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके साथ ही चल रहा है। हम लोग दोनों पार्ट्स को कवर करते जा रहे हैं। क्लास 11th का भी चल रहा है सीरीज़ और क्लास 12th का ही। और हम लोग बहुत जल्द अपना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हम लोगों का दोनों सीरीज़ साथ में चल रहा है। एंड आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपका लेक्चर जो है वो डेली जा रहा है। आप लोग लेक्चर को रेगुलर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। कोई डाउट हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना डाउट भी पूछा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरह अपना डाउट जो है वो पूछते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप ईज़िली हमसे पूछें, डायरेक्ट पूछे, इसलिए मेडिकल जंक्शन हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। तो आज जो हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आप सबको पता है। इससे पहले 3 लेक्चर चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को जाकर देखें, क्योंकि अगर डायरेक्ट इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए आपकी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लें। पहले उस लेक्चर को, 3 लेक्चर जो है अपलोडेड है इस चैनल पर, उसे देख कर अपना सारे डाउट को क्लियर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में पूछें या हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का चैप्टर होने वाला है आज वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 3 लेक्चर्स जो है उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोगों ने समझा था कि असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। इसके बाद हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी टाइप पढ़ा, आप लोगों को पता होगा बडिंग था, इसके बाद बाइनेडिफ्यूजन, जूस्पोर, इसके बाद आपका था कोनिडिया एंड देन गैमिल्स। हम लोगों ने डिटेल में समझा था। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा जो भी हम लोगों ने साथ में मिलकर कंप्लीट किया। इसके बाद पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ एनसीईआरटी के लाइंस को भी देखी जिनमें था इंसिस्टेशन एंड एस्पोरुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इससे क्वेश्चन आता है स्पोरुलेशन एंड इंसिस्टेशन से, इसलिए इसे अच्छे से देख ले, समझ ले। कोई डाउट हो तो लेक्चर नंबर 3 में जाकर फिर से एक बार देख ले ताकि आपका रिविज़न भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इंसिस्टेशन एंड एस्पोरुलेशन में हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया दोनों का डिफरेंस क्या है, इंसिस्टेशन और एस्पोरुलेशन का। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट आगे जो इसका एनसीईआरटी का लाइन है पहले वो देखेंगे। इसके बाद अगर कुछ नोट्स की ज़रूरत पड़े जो एग्ज़ाम में 10% कवर करता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहले तो हम एनसीईआरटी पे, जहाँ से एग्ज़ाम में 80-90% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है, इसलिए ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें उस 10% को भी कवर करना है। इसलिए हम जहाँ पे ज़रूरत पड़ी हम वहाँ पे नोट्स भी देंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ लिखा हुआ है, इससे पहले भी हम एनसीईआरटी का लाइन ही देखे थे, इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन के बाद जो टॉपिक आ रहा है वो यही है। तो आप लोग एनसीईआरटी का बुक को निकालें, बायोलॉजी का बुक एनसीईआरटी का, उसके साथ ही एक नोटबुक रखें और जो भी पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लगे उस पॉइंट्स को आप नोट करते जाएं ताकि रिवीजन में आपको बहुत हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है, मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंगी एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर। अब ध्यान से सुने इस बात को, यहाँ पे बता रहा है कि मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंगी, मतलब फंगी का जितने भी मेंबर्स हैं एंड सिंपल प्लांट्स सच एज जैसे अल्गी हो गया, ये रिप्रोड्यूस करता है स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, आपको ध्यान में रखना है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को जूस्पोर बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जूस्पोर का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, आपने नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करें, डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक में जाकर पहले उस वीडियो को देखें फिर यहाँ आए। तो द मोस्ट कॉमन ऑफ दिज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर, हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में कि जूस्पोर क्या होता है। तो वही यहाँ बता रहा है कि जो किंगडम फंगी का जितने भी मेंबर होते हैं एंड सिंपल प्लांट जैसे कि अल्गी हो गया, ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से जो है अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और वो है जूस्पोर। ठीक है,
दैट यूजली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर. आप सबको पता है माइक्रोस्कोपिक होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है. मोटाइल का मतलब क्या होता है? मूव करना, मूव करने वाला स्ट्रक्चर होता है. एंड अदर कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, जैसे कि हम लोगों ने देखा था टाइप में, इसका जो पेनिसिलियम में जो होता है वो कोनिडिया होता है. एंड इसके बाद हाइड्रा में बर्ड्स देखने को मिलता है एंड स्पॉन्जेस में गैमिल्स देखने को मिलता है. ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, तो हम यहाँ पर डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार. ठीक है, तो हम आगे देखते हैं. यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन क्लास 11th. ये बता रहा है कि आप लोग जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में क्लास 11th में पढ़े होंगे. अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए क्लास 11th को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करवाएंगे सारा टॉपिक्स कंप्लीट. तो यही बता रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या आप सोचते हैं, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है? तो यही इसमें बता रहे हैं. व्हाई डू यू से सो, इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्मड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसका मतलब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जाता है, क्या उसके लिए भी क्लोन एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है. जिन्होंने क्लास 11th अच्छे से पढ़ा है उनको ये आंसर देना है. तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, और अगर नहीं पता है तो भी बताए कि हमें नहीं पता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं. अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं. व्हाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म असेक्सुअली इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली. इसका मतलब हुआ कि जब हम एनिमल्स की बात करें, जब हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसके लिए जो हम रिप्रोडक्शन का जो वर्ड यूज़ करेंगे वो असेक्सुअल होगा. ठीक है, लेकिन इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड. इसका मतलब, लेकिन हम जब प्लांट्स की बात करेंगे, जैसे फंगी हो गया, इसके बाद फंगी हो गया, सिंपल प्लांट्स हो गया, इसके बाद अलगी हो गया, इसके लिए जो है हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज़ करेंगे. तो यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब. अब ये सब क्या है? तो हम लोगों ने इसे पिछले लेक्चर्स में, जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, उसमें हम लोगों ने इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है. एक बार हम आपको बता देते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, रिविज़न भी हो जाएगा. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोगों ने समझा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, ये भी एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही है. ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड और था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस कराता है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो है रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब. यही लिखा है यहाँ पे, आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, यही स्ट्रक्चर जो है एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं. यही जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो प्रोसेस है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक रिप्रोडक्शन का टाइप है, उस प्रोसेस को जो कंप्लीट कराता है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा. अब आगे देख लेते हैं, अगर पीछे कोई डाउट ना हो तो. अगर डाउट है तो पहले वीडियो पॉज करें और अपना डाउट पूछें, इसके बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करें. तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स. आप सबको पता है कि इन सब में दो पेरेंट्स की तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं. तो वही लिखा है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज असेक्सुअल. जहाँ पे दो पेरेंट्स की ज़रूरत ना पड़े वही प्रोसेस है असेक्सुअल. इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस. तो अब जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वो फ्रैगमेंटेशन की होने वाली है. फ्रैगमेंटेशन आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार देख ले. फ्रैगमेंटेशन का मतलब, जैसे आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देखें, ये रहा, हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रा का. ठीक है, हाइड्रा में फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है. हाइड्रा है, आप समझिए इसे तीन पार्ट में जो है वो कट गया. ठीक है, तीन पार्ट इसका हो गया है. तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो कटा हुआ पार्ट है, ठीक है, उससे एक नया हाइड्रा बन जाएगा. आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला नया हाइड्रा बन गया. तीन पार्ट्स में हम इसे काट दिए तो ये यहाँ पे भी हाइड्रा बन गया, यहाँ पे भी हाइड्रा. तो आप देख सकते हैं कि कटा हुआ पार्ट से जो है एक नया हाइड्रा बनकर तैयार हो जा रहा है, यही है फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं. द
द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, जैसे कि हमने बताया इच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। हर जो हिस्सा जो टूटा हुआ है उससे एक नया जो है वो हाइड्रा बनकर तैयार हो जा रहा है, नया ऑफस्प्रिंग बनकर तैयार हो जा रहा है। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। और जहाँ पे पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, जहाँ पे दो पेरेंट्स नहीं होगा, वहाँ पे जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कटा हुआ पार्ट से एक नया हाइड्रा बनकर तैयार हो जा रहा है, यही है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। आप यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द करेज ऑफ द वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आप सबको पता होगा टेरर ऑफ बंगाल के बारे में कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है। तो वो है वाटर हाइसिन, जिसे हम जलकुंभी बोलते हैं, ठीक है। आप सबको पता भी होगा जलकुंभी के बारे में। चलिए आज हम इसका जो नाम है वो टेरर ऑफ बंगाल क्यों है, ये भी हम आज समझते हैं कि ऐसा क्या किया है इसने जिसे इसे इतना बड़ा जो है वो आतंकवाद का नाम दे दिया गया है। अब हम थोड़ा सा स्टोरी समझ लेते हैं इस टेरर ऑफ बंगाल का, क्या है ये। इसका जो नाम है वो वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इकोर्निया क्रेस्पस। और ये आखिर है क्या, तो ये है एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। हम जो स्टोरी बताने वाले हैं वो एक्वेटिक प्लांट का स्टोरी है। एक बार एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई, इन्वेसिव वीड्स क्या होता है। इनवेसिव वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, ऐसा प्लांट जिसकी कोई ज़रूरत ना हो, बस ऐसा ही हो गया और ना ही उसे ख़त्म करने के लिए कोई और प्लांट्स है, ठीक है। फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देर इज़ अ स्टैंडिंग वाटर, ये वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पे पानी रुका हुआ है, ठीक है। आप देखते होंगे बहुत सारे तालाब्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें जो है ये किस तरह से आ जाता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से जो है वो पूरा जो पानी का सरफेस है, वाटर का जो सरफेस होता है, पूरा उसको ढक देता है। और इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है जो तालाब के नीचे रहते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि सरफेस तो ये ढक लेता है। तो आगे पढ़ते, इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेज। ऑक्सीजन ना पहुँच पाने के कारण जो है बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स होता है। इसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स डेड भी कर जाते हैं। वहीं यहाँ लिखा हुआ है विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज, बहुत सारे मछलियाँ इसके कारण जो है वो प्रभावित होती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14। आप इसे जो इकोलॉजी वाला चैप्टर है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसे इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि इसका जो फ्लावर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड इसका जो शेप ऑफ लीव है, जो पत्ते का जो आकार है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस वजह से इसे इंडिया में लाया गया था और हमारे लिए इतना बड़ा ख़तरा हो गया। मीन्स इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट अ फेनोमिनल रेट एंड स्प्रीड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड ऑफ देम। इसका मतलब हुआ कि ये जो है इसे ख़त्म करना तो आसान है ही नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये ख़त्म होता ही नहीं है। अगर आप उसे काट कर फेंक दोगे तो उसका जो पार्ट है, हमने बताया जिस तरह से फ्रैगमेंटेशन था, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। वेजिटेटिवली जो कटा हुआ पार्ट से, जो टूटा हुआ पार्ट से, उससे फिर से नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाली है, डिफ़िकल्ट है इसे ख़त्म करना। ये ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो प्लांट्स है, जो टूटा हुआ पार्ट है, उससे एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और ये बहुत जल्दी, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, स्प्रीड ऑल ओवर द वाटर बॉडी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जल्दी जो है वो पूरे वाटर बॉडी पे, वाटर के सरफेस पे जो है वो फैल जाता है बहुत कम समय में। अगर आप उसे काट कर फेंके, फिर से वो नया प्लांट्स बनकर तैयार हो जाता है। तो यही था आपके टेरर ऑफ बंगाल, जिसे वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है। इसका नाम वही है वाटर हाइसिंथ, ठीक है, जिसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। एक बार इसे स्क्रीन पे देख ले, हम चाहते हैं कि आप अच्छे से इस फिगर को देखें और समझें कि किस तरह से वाटर हाइसिंथ जो है
पूरे इंडिया में फैल चुका है और इसे पहली बार जो है वो बंगाल में लाया गया था। अभी किस तरह से पूरे तालाब के ऊपर जो है फैल कर बहुत ज़्यादा डेंजर हो चुका है, हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स है और एक्वेटिक एनिमल्स है उसके लाइफ के लिए बहुत डेंजर है ये वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो देखिए आप स्क्रीन पे इसे अच्छे से। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होने वाला है वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है। तो पहले क्या करते हैं, हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं, फिर एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोड, इंटरनोड, रूट्स, इन सब की बातें होंगी, तो आपको इनमें कन्फ्यूज़न तो होना ही है। तो चलिए पहले उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी का लाइन देखेंगे। ठीक है, तो पहले कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्लांट्स का, ठीक है, और आप इसे समझने की ट्राई करें। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसे, इस पॉइंट्स को, और आप भी अपने कॉपी में इसे नोट कर ले ताकि आपको बाद में रिविज़न में प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या नोड है, नोड कहाँ पे होगा, स्टेम कहाँ पे होगा, बर्ड क्या है। तो इन सब में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जिन बच्चों को ये डायग्राम समझ में आ रहा है, ये पता है, तो पहले वीडियो पॉज करें, अब बनाकर आप उस डायग्राम को लेबलिंग करें और चेक करें कि आपका डायग्राम जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, ऐसे हम बना रहे हैं। तो देखिए आप इसे, तो आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर देखिए आप एक नई कली है। ठीक है, इसका नाम जो है वो है बड। क्या बोलेंगे आप इसे, इसका नाम है बड। अब हम समझ लेते हैं नोड क्या होता है। तो नोड वो जगह होता है जहाँ से लीव्स निकल रही होती है। ठीक है, ये रहा आपका नोड। ठीक है, ये रहा आपका नोड, और नोड के बीच का जो जगह होता है उसका नाम होता है इंटरनोड। क्या होता है इसका नाम, इंटरनोड। ठीक है, जहाँ से लीव्स निकल रही होती है उसका नाम नोड। तो यहाँ पे नोड है, नीचे भी नोड है, और जो नोड के बीच का जो जगह होता है उसका नाम होता है इंटरनोड। और ये आप देख सकते हैं इसका नाम है स्टेम। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको नोड, इंटरनोड और स्टेम और बड में जो कन्फ्यूज़न था वो। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets, जिसे लीव्स बोलते हैं, ठीक है, न्यू प्लांटलेट्स जो है वो लीव्स होता है, इन द प्लांट्स लिस्टेड अबव यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम द नोड। ठीक है, वो नोड से ही जो है वो लीव जहाँ से निकलता है वो नोड होता है, प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, बहुत जो मॉडिफाइड स्टेम हो जाते हैं उनके अंदर जो है वो छोटे छोटे न्यू प्लांटलेट्स जिसे आप लीव्स बोल सकते हो वो जहाँ से निकलता है उसी जगह को हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है व्हेन द नोड कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम सोयल और वाटर, जब ये नोड किसी डैम सोयल से या पानी से कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्टैक्ट में आता है, दे प्रोड्यूस रूट्स, ये जो है रूट्स को प्रोड्यूस कर देता है एंड न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो इससे न्यू प्लांट्स तो बन ही जाएगा। सिमिलरली इसके बाद आता है एडवेंटिटस रूट बर्ड्स, सॉरी एडवेंटिटस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचेस एंड प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो चलिए हम एक फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं और उससे इसे समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, होप कि आप सब हमारे साथ हैं इस फिगर को, इस डायग्राम को समझने के लिए। तो चलिए समझते हैं ब्रायोफिलम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, चलिए फिर से हम लीव्स का बात कर लेते हैं, फिर से लीव्स को समझने की ट्राई करते हैं, ब्रायोफिलम के जो लीव्स हैं। तो आप देखिए डायग्राम में जो हम आपको समझाने की ट्राई कर रहे हैं, आप उसे समझिए। देखिए इसे, ये रहा आपका लीव्स, ठीक है, और बता रहे हैं मार्जिन पे। तो मार्जिन किसे बोलते हैं, इसके ऊपर जो होता है, ठीक है, ये रहा लिप्स का मार्जिन, ये रहा आपका नोचेज, देख रहे हैं ना आप इस लिप्स पे नोचेज प्रेजेंट है मार्जिन पे, मतलब पत्ते के ऊपर, इस लिप्स के ऊपर ये रहा आपका मार्जिन। ठीक है, और इस नोचेज में से जो है एडवेंटिसस बर्ड आप देख सकते हैं निकला हुआ है, ये रहा एडवेंटिसस बर्ड,
जो कि एनसीईआरटी में भी बताया हुआ है कि एडवेंटिसियस बर्ड जो है वो लीव्स के मार्जिन पे जो नोचेज है उसमें से निकला है। अब देखें इस फिगर को, ध्यान से देखें प्लीज़, ताकि समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आप अच्छे से, ये रहा आपका एडवेंटिसियस बर्ड, ये रहा आपका नोचेज, ठीक है, और ये रहा आपका लीव्स। आई होप कि आपको ब्रायोफिलम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिए एक बार फिर से हम ब्रायोफिलम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन्स है तो एक बार देखकर और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एडवेंटिसियस बर्ड अराइज फ्रॉम द नोचेज प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। आप फिगर को एक बार और ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया, एक लीव्स था, उसके मार्जिन पे मतलब उसके ऊपर कुछ नोचेज है, देख रहे हैं ना आप नोचेज इस फिगर में, उस नोचेज में से एडवेंटिसियस बर्ड निकल रहा है, वही एनसीईआरटी के लाइन में बता रहा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि एडवेंटिसियस बर्ड अराइज फ्रॉम द नोचेज प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, दिस एबिलिटीज फुल्ली एक्सप्लॉयटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट्स। इस प्लांट्स को जो है वो कमर्शियल के लिए भी उगाया जाता है, तो यही लिखा हुआ है। इसके बाद आप अच्छे से एक डायग्राम जो है ब्रायोफिलम का देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देख कर समझ लें कि किस तरह से आपका ये वाला जो हिस्सा है, आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, इस पे ये लीव है आपका, और लीव्स के ऊपर आप देख सकते हैं मार्जिन पे नोचेज है, और नोचेज में से किस तरह से एडवेंटिसियस बर्ड निकल रहा है। ध्यान से इस फिगर को देखें, और अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसे कॉपी में नोट कर ले, ताकि बार बार रिवीजन करने में आसानी होगा और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आई होप जितना भी आज हमने कंप्लीट किया आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा करेंगे तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी और कन्फ्यूज़न बहुत होगा, क्योंकि आज का जितना भी टॉपिक हम लोगों ने किया वो कन्फ्यूज़न वाला ही था, इसलिए लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डायग्राम के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम हम लोगों ने अभी तक अच्छे से नहीं किया है और डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो डायग्राम से इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पहले डायग्राम पे बात करेंगे। इसके बाद हम एनसीईआरटी के लाइंस पे इसके बाद थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, ताकि कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम्स का नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई डाउट हो तो अच्छे से पूछें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।